दूसरा विषय जो है वो डॉक्टर रतनलाल साहब का है, जो विषय है बाबा साहब की पार्टी RPI हमेशा के लिए नेशनल पार्टी बनी रहना आवश्यक। ये जो विषय है ये मैंने इसलिए दिया है कि इसके ऊपर मैंने जो कुछ भी स्टडी की है मुझे पता चला है कि जब से RPI बनी 3 अक्टूबर 1957 से, तब से ये पार्टी कभी भी नेशनल पार्टी नहीं बनी। लेकिन एक ही साल 1952 में बाबा साहब ने अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इलेक्शन लड़े हो, और वो एक ही झटके में वो 10 राज्यों में लड़े, 5 राज्यों में 4% से ज़्यादा वोटिंग मिला और पार्टी नेशनल पार्टी बनी। इतने सालों से अपन काम कर रहे हैं लेकिन वो पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनी। इसलिए ये उद्देश्य लेकर ये सब्जेक्ट मैंने दिया है और ये मेरा लक्ष्य है, और मैं स्पीकर को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा लक्ष्य यह है कि चलो अभी तक तो नहीं हुई नेशनल पार्टी, लेकिन 2024 में होनी चाहिए। मैंने अगस्त में एक खत एक आदमी को लिखा है जिसमें 30 लोगों को दिया है, उसमें मैंने लिखा है कि मैं अभी RPI में हूँ बाबा साहब के, और महाराष्ट्र से मैं 7 लोग, पहले 4 आए थे 98 में, तो 7 लोग RPI के महाराष्ट्र से चुनकर लाऊँगा, और 2 कम से कम 2 बिहार से होने चाहिए और 2 UP से, क्योंकि UP में भी 23% AC है, बिहार में 15.91% AC है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो ज़्यादा आते हैं। लेकिन नेशनल पार्टी बनने के लिए 2% खासदार चाहिए, 2% बोले तो 543 × 2 बोले तो 11 सांसद अगर रहे 3-4 राज्य से तो ये पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, जो अभी तक नहीं बनी। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं रतनलाल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको जो सब्जेक्ट दिया गया है बाबा साहब की पार्टी RPI हमेशा के लिए नेशनल पार्टी बनी रहना आवश्यक, इस पर वो अपने विचार। आदरणीय अध्यक्ष जी, एडवोकेट MM येवले साहब, हमारे वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ साथी एडवोकेट भानु प्रताप जी, मैडम माधुरी मून साहिबा, डॉक्टर नागराले मंचा सिंह, सभी साथी, सभागार में जितने हमारे वरिष्ठ छोटे बड़े भाई बहन साथी, आप सबको जय भीम नमो बुद्धाय, आप सबको जय फूले जय भीम, आप सबको जय फातिमा जय भीम। भानु प्रताप जी जब बोल लेते हैं ना, उसके बाद अगर मुझे बोलना हो तो बहुत दिक्कत होती है, हम क्या बोलें। जो मुझे बोलना होता है वही भानु प्रताप जी समराइज कर ही चुके होते हैं, तो इसलिए मैं सोचा अब क्या बोलूं। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा मैंने कहा, पहले ही आग्रह किया कि मैं सिर्फ 25 मिनट बोलूँगा, और वो भी काफ़ी है, और नया कुछ नहीं कहने के लिए है मेरे पास। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, भानु प्रताप जी ने आपको बताया भी, दिल्ली विश्वविद्यालय में छोटा मोटा एक्टिविस्ट हूँ, और एक लॉकडाउन के पीरियड में क्योंकि घर ही बैठना था तो क्या करना था, तो मैंने सोचा कि रोज़ भाषण देने की आदत है ना, मास्टर हूँ तो रोज़ 1-2 घंटा बोलना होता है, इसके बाद सभा में रैली में भी बोलना होता है, तो मैं कुछ जानता नहीं था, मेरे पास न टेक्नोलॉजी न मोबाइल, बेटा ही वो एक पुराने मोबाइल पे यूट्यूब बना दिया, और धीरे धीरे यूट्यूब एक चला रहा हूँ, उसका नाम है अम्बेडकर नामा। तो आप लोग तो पहले जो सब्सक्राइब नहीं किए पहले मोबाइल खोलिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो कोई नई बात नहीं है, वो सारे अम्बेडकर नामा पे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं वो बात, और रोज 3-4 वीडियो डालते हैं उस पर। मेरा काम ही है पढ़ना और बोलना, उसमें समझाना, बात रखना। इधर कुछ दिनों से मैंने आना जाना बंद कर दिया था कि कहीं भी, लॉकडाउन के कारण से ही नहीं, वैसे भी काफ़ी हेक्टिक होता है क्लास लेना, और उसके बाद हर फ्राइडे को जाना, फिर संडे को लौटना, फिर क्लास, तो मशीन की तरह। दूसरा यूट्यूब से एक फ़ायदा यह हुआ कि पहले जाता था तो 1000-5000 लोगों के बीच बोलता था, अब 25-30 हज़ार दोस्त रोज हमें
गंभीरता से 2500-3000 लोग सुनते हैं, तो बेहतर है एक जगह लाइब्रेरी में बैठिए, पढ़िए, समझाइए, ज़्यादा गंभीर बातें होंगी, अपना मोबाइल का डेटा खर्चा कीजिएगा, सुनिएगा तो लगेगा कि हाँ इसका कुछ इम्पोर्टेंस है। इसलिए मोबाइल सब ऑन कर लीजिए या कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चाहें तो उसको ज्वाइन भी कर लीजिए, वेबसाइट भी बन चुका है, वेबसाइट भी चलाने वाला हूँ। चलिए खैर, ये आपकी इच्छा है, कोई मैंडेटरी नहीं है, अच्छा किया है। चलिए एक बात मुझे बार बार समझ में आती है कि बाबा साहब ने पूरे भारत के लोगों को सबको कुछ ना कुछ दिया, कुछ लोगों को छोड़कर, उनको मैं जनऊ ब्रांड लोग कहता हूं कि वो मनुस्मृति बना ही रखना चाहते थे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सवर्णों को भी बहुत कुछ दिया, और सबसे बड़ी चीज उन्होंने दी वो थी वोट देने का अधिकार। कि वोट देने का अधिकार मतलब आपको प्रजा से नागरिक बनाया, सब्जेक्ट से सिटीजन बनाया, ये बड़ी बात थी, और इसी वजह से लोकशाही है। अगर वोट देने का अधिकार आपके पास नहीं होता तो कोई लोकशाही नहीं है। लेकिन महिलाओं के लिए उन्होंने चार जो पॉइंट्स रखे थे जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था नेहरू कैबिनेट से, तो चार पॉइंट्स दिए थे, उसमें से एक पॉइंट हिंदू कोड बिल था, महिलाओं के अधिकार को लेकर था उसमें। लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो है उन्होंने आप लोग को दिया, महाराष्ट्र को लोगों को दिया है। अब बोलिए तो हम गिनवाते हैं, वोटिंग राइट, रिजर्वेशन सब तो पूरे देश को मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन में। वोटिंग राइट का भी क्या होगा नहीं होगा नहीं जानते हैं, कई सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठ रहा है, आपका वोट इधर गया कहाँ गया पता नहीं है, उसका भी क्या होगा नहीं होगा ये नहीं जानते। लगातार ईवीएम के मसले पर भी हम लोग सवाल उठाते रहे हैं, भानु प्रताप जी हम और बहुत सारे साथी उठाते रहे। लेकिन आप लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को और खास तौर से आप लोगों को, जितना बाबा साहब ने दिया उतना किसी को नहीं दिया। और बोलिए तो मैं गिनवाना शुरू करूं, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, भारत भूषण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब कहां खुले? इधर बहिष्कृत हितकारिणी कहां खुला? इधर हॉस्टल कोल्हापुर में तमाम जो है कहां खुला? इधर डिप्रेस क्लासेस इंस्टीट्यूट कहां खुला? बंबई में। इधर डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट के लिए पैसा, जहां जब गोल में सम्मेलन में गए थे तो 1340 पाउंड वहां से राजे महाराजा से लेकर आए थे बाबा साहब, क्यों हमको मुंबई में और महाराष्ट्र डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट चलाना है? इधर खोले पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी कहां खोला उन्होंने? इधर सिद्धार्थ कॉलेज, जिस कॉलेज कैंपस में बैठे हुए हम लोग, इस पावन कैंपस में, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, उसके पहले एक हॉल में उधर बोला था 2-3 साल पहले, तो सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज कहां खुला? इधर 6 लाख रुपए उन्होंने लिखा था, जोगिंदर सिंह मिनिस्टर थे सरदार जी, आपको याद होगा, आप तो उस समय थे ही, 6 लाख रुपए उन्होंने लोन लिया था कॉलेज खोलने के लिए, सिद्धार्थ कॉलेज खोलने के लिए बॉम्बे में, किसके लिए लिया था? इधर मिलिंद कॉलेज के लिए हैदराबाद स्टेट से जमीन लिया था, तमाम आप सबको याद होगा, बैठे हुए अले साहब यहाँ पे। इधर बौद्ध महासभा, भारतीय बौद्ध सभा कहाँ खुला? इधर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कहाँ हुआ? इधर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कहाँ बना? महाराष्ट्र में। और रिपब्लिकन पार्टी कहाँ बना? पहले इधर ही महाराष्ट्र में। तो सब कुछ इधर खुला। अब मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि उसको आपने कितना सस्टेन किया, कितना नहीं किया, कितना आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये मुझे अब आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। और भानु प्रताप जी ने एक इशारा किया था और उस सूत्र को ही मैं पकड़ रहा हूं, तब रिपब्लिकन पार्टी का एजेंडा मेरे सामने रखा हुआ है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी रखा हुआ है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का रखा हुआ है, वॉल्यूम पेज नंबर बता दूंगा, जाके एक बार उलट के 10-20 पेज आप देख लीजिएगा, वो मुझे बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब इधर हुआ,
और इन्होंने जो सूत्र दिया था कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, नहीं बने, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 90 साल की तैयारी हुई। आरएसएस 1925 में बना था, उस समय से कभी कांग्रेस, हिंदू महासभा, आरएसएस पहले किस पार्टी में होते थे? कांग्रेस में सब पार्टी में इनके लोग होते हैं, आपके पार्टी में भी होंगे, सब पार्टी में दो चार घुसे रहते हैं, उस सेल की तरह काम करते हैं, फलते फूलते संभलते, आगे धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहते हैं हर जगह। तो 90 बरस समय लगा। एक सवाल उलट देता हूँ, तब हम रिपब्लिकन पार्टी पे क्या बोलेंगे? सर बैठे हुए हैं सब मेरे ज्यादा, तो वही बोलेंगे मैं तो बाबा साहब की किताबें पढ़ी, और मैं बोलूंगा अभी तो बाबा साहब का की क्या योजना थी उस पर बोलूंगा, बाद में क्या हुआ रिपब्लिकन पार्टी का उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। यहां जितने साथी बैठे हैं उसमें से कोई सीए हैं? आप ही लोग से एक सवाल पूछें, सीए हैं किन्हीं का पुत्र पुत्री, बेटा या बेटी कोई सीए है, इकोनॉमिस्ट है? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, इलेक्शन सर्वे करता है, हिस्टोरियन, इतिहासकार? नहीं। तो आपको राजसत्ता मिल भी जाएगा, संसद और पार्लियामेंट में चले भी जाएंगे तो करेंगे क्या? सवाल तो ये, सवाल ये उठा रहा हूं, कह ही रहे कि 1150 विधायक हैं और काउंसलर या मुखिया तो छोड़ दीजिए, हैं? डेढ़ पौने दो सौ आपके सांसद हैं, तो बेटा को बेटी को ना इकोनॉमिस्ट बनाया, सब कुछ बाबा साहब दिए इधर ही। मैं गया था मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में गया था बोलने, अच्छा तो ये होता कि भानु प्रताप जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, और भानु प्रताप जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बेहतर तो ये होता कि यहाँ से लोग जाते बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में, वहां के लोगों को बाबा साहब के बारे में बताते। मैं अगर गलत कहना हो तो क्षमा कीजिएगा मुझे। जितनी संस्थाएं बाबा साहब ने बनाई, कर्ज लिए, लोन लिए, सब कुछ किया, और आज हम पूछ रहे हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण के तकरीबन कितने साल हो गए, 56 से जोड़ लीजिए, मेरा गणित ठीक नहीं है, 75 साल के आसपास हुए हो, उसमें उस संस्थाओं को हमने बचा कर नहीं रखा है, यह है असली खेल। उन संस्थाओं क्यों बना रहे थे? सारे पार्टी के मैनिफेस्टो में बता देता हूं, पेज नंबर से लेकर सारे निकाल कर रखा हुआ उनको, उनका मैंने सारे मैनिफेस्टो को उठा, मैंने कॉम्पिटिटिव स्टडी किया कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बारे में क्या रहे थे, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बारे में क्या कर रहे थे, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन, छात्रों के लिए भी उन्होंने दल बनाया था, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी तो 56 में जाके बनाते। तो तीन जो फेज है वो, जब तक आप इस फेज को नहीं समझेंगे, आप 24 का मानवर वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, ये राजनीति का 90 साल लगा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में, और बाबा साहब ने जो जो लिख के दिया है वो भी हम लोग ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये जो है ये थोड़ा सा विषय है हमारे गंभीर चिंतन में, क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने एक सवाल ही उठा दिया ना, मैं एक खाली महाराष्ट्र की बात नहीं है, बाबा साहब ने 1945-46 में लॉर्ड लिथलिंगो नाम था, उनसे 3 लाख रुपए पर एनम सरकार से फेलोशिप लेके छात्रों को भेजा था, ठीक कह रहा हूं सर? सरकार से छात्र, योले साहब आपको याद होगा उस समय छात्रों को भेजा था, 15 या 19 छात्र गए थे, मैंने पढ़ के एक वीडियो बनाया था, हाँ वही 18 या हाँ गए थे। उसके बाद वो पता नहीं, लोग कहते कहाँ आए, नहीं गए, कौन थे, नहीं थे, पता नहीं। इसको आपने ढाल बना लिया, अरे वो जाते हैं, अरे भानु प्रताप जी
इन्हीं लोगों से काम लेना ही विधायक हो, इन्हीं मिडिल क्लास लोगों से काम भी लेना है, लड़ रहा है कौन? अगर पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को धोखा दिया है तो पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को जिंदा भी किया है, यह भी उतना सही है। हम आप लोग नहीं पढ़े रहते तो यहां इतनी सभा में बैठ के क्या बात करते रहते। इन्हीं लोगों ने जिंदा भी किया है, और जब से हायर स्टडीज में, विश्वविद्यालयों में, वकालत में जाने का थोड़ा सा दिमाग खुला, नहीं तो सब लोग, तो जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे पूछिए बेटा बेटी क्या कराओगे, तो आईएएस, इंजीनियर और डॉक्टर। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? सही कह रहा हूं? तो सब लोग आईएएस ही बनाओगे तो 60 साल बाद रिटायर करेगा तो एनर्जी कहां से रहेगा? सुबह से लेकर 9 बजे रात तक बेचारा बाबू लोग खटता बहुत है ऑफिस में, उसके पास एनर्जी ही नहीं रहती है कि आके मिशन का काम करेगा और सामाजिक काम करेगा। मैं कोई शिकायत करने के लिए नहीं कर रहा। एक को कलेक्टर बनाओ तो एक को इकोनॉमिस्ट भी बना लो। आपको क्या लग रहा है कि मंत्री और आईएएस ऑफिसर आपके मुक्ति की लड़ाई लड़ेगा? किसी कंफ्यूजन में, गफलत में नहीं रहिएगा, बेचारे में बहुत प्रेशर होता है, कोई इंपॉर्टेंट पोजिशन नहीं देगा। जैसे मैं आया था दिल्ली पढ़ने के लिए, मेरे पिताजी ने कहा कि आईएएस बनना है, भाई पुलिस में थे, उन्होंने कहा आईपीएस बनना है, हमने कहा मैं कुछ नहीं बनूंगा, मेरे मर्जी जो वही करूंगा। तो अगर उस समय आईएएस बना रहता था ज्वाइंट सेक्रेटरी होता, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता तो इतनी किताबें लेख में लिख पाता, आपके बीच बोल पाता, बाबा साहब का मैनिफेस्टो लेके आ पाता। कहने का मतलब ये कि आपको अंबेडकर अपने घर से ही पैदा करना पड़ेगा। ये जो आदत लगी हुई कि वो दूसरा आके मेरी लड़ाई लगा, कोई मसीहा आएगा, ये इस आदत को छोड़िए। अपने घर से ही वो बाबा साहब पैदा आपको करना पड़ेगा। नहीं हमारा बेटा मैनेजमेंट गुरु बनेगा, भानु प्रताप जी का बच्चा जो है बनेगा, भगत सिंह और अंबेडकर बनेगा, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे नहीं होता। तो जितने लोगों को बाबा साहब ने लोन लेके भेजा, सरकार से फेलोशिप दिला के भेजा, तो मान लो आए हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम 15 लोगों का जीवन तो बन गया ना। वो लंदन में सोफा में घुस गए होंगे, कोई भारत आए होंगे, कोई मिनिस्टर बने होंगे, कोई वाइस चांसलर बने होंगे, तो कम से कम 15 लोग का तो बन गया ना। उस समय समाज हमारा बहुत गरीब था, और बाबा साहब को मैं एक बात कहता हूं कि बाबा साहब की जो दवाई है ना, बहुत कड़वी दवाई है। अंबेडकर साहब की दवाई को मैं बहुत कड़वी दवाई कहता हूं। उसका कारण है कि जो भी बाबा साहब को पढ़ेगा ना, वो बहुत कड़वा आदमी हो जाएगा। बाबा साहब जितनी सभाओं में गए हैं वो खाली मनुवाद पर नहीं बरसते थे, वो अपने लोगों के बीच भी डांटते थे। अगर आपको विश्वास नहीं है, अंबेडकर नामा खोलिए, देखिए, उसमें पेज नंबर वाइज मैंने सारे रेफरेंस दिए हैं। अपने लोगों पे भी उतना ही भड़कते थे, उनको डांटते थे। ये तथ्य मैं कह रहा हूं, किताब मैंने नहीं छापा है, महाराष्ट्र से ही छपी है किताब। हिंदी में 17 वॉल्यूम है, हिंदी में 40 वॉल्यूम है छोटे छोटे, अंग्रेजी में 17 वॉल्यूम। वो डांटते थे इसी वजह से, कई बार मांग महार चमार इसी में लगा रहता था, लोग यही झगड़ा चलते रहता था बाबा साहब पे, सब लोग आरोप भी लगा देते थे। एक दिन में बाबा साहब थोड़े ही बन गया कि आए और सब लोगों ने माथा पे बैठा लिया। नहीं, उनको अपने जीवन में अपने लोगों से भी संघर्ष करना पड़ा, अपने लोगों से। तो रिपब्लिकन पार्टी को अगर समझना है तो पार्टी न बन रही है 1956 में और 1936 में, लेकिन बाबा साहब ने राजनीति करना शुरू कर दिया था 1918 से ही। जो पहले दूसरी कमिटी आई थी, नाम थोड़ा भूल रहा हूं, साउथब्रो नहीं, साइमन नहीं, उसके पहले वाले 1918 में, वहां पे नहीं, माउंट साउथब्रो कमिटी आई थी, उस समय से ही राजनीति उन्होंने करना शुरू कर दिया। राजनीति का मतलब खाली पार्टी बनाना और चुनाव लड़ना नहीं होता है, राजनीति बहुत व्यापक चीज है। राजनीति रिश्तों में होता है, संगठन में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, ये सब एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है। वो इसलिए स्कूल कॉलेज बना रहे थे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको और आप जाके देखिए ना, औरंगाबाद का कैंपस लगेगा कि ऑक्सफोर्ड टाइप से वो लुक देता है। वो भारत में ऑक्सफोर्ड बनाना चाहते थे, कि शिक्षा का मतलब वो जानते थे,
अगर वो इंग्लैंड अमेरिका नहीं पढ़े गए होते तो बाबा साहब बन के लौटते क्या, जरा आप मुझे बता दीजिए। बार बार व्हाट्सएप में चलता है शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा तो उनको अमेरिका और इंग्लैंड में मिला था, यहां थोड़ी मिला था, यहां तो स्कूल के बाहर ठेल के बैठा देता था। अगर गायकवाड़ उनको फेलोशिप नहीं दिए रहते, समझिए पहले बात जो हम कह रहे हैं मार्के की है, गंभीरता से जाके सोचिएगा। भाषण देने नहीं आया हूं, दो आज रात में लौटूंगा, 2-3 बजे घर पहुंचूंगा। न भाषण देने आया हूं, न चंदा लेने आया हूं, न वोट लेने आया हूं, काम की बात करने आया हूं। मन की बात हम नहीं करते, मन की बात कोई और लोग करता है। अगर गायकवाड़ चंदा नहीं दिए होते, अंबेडकर अमेरिका नहीं गए होते, तो कहां इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी होता, कहां बहिष्कृत कार्य सभा होता है? साहू जी महाराज भी बम्बे एक सभा में जो है वो 2500 रुपया दिए थे अखबार के लिए, तो उन्होंने भेज दिया अमेरिका। जब लौट के बड़ौदा गए तो वहां उनके मंत्री से एक पंडित जी थे, बार बार कुछ कुछ करते थे, वो झगड़ा हो गया, 3-4 दिन में ही वापस आ गए। वेटिंग फॉर वीजा पढ़िएगा, पहला ही लेख है उनका। आ गए उसके बाद पंडित जी चिट्ठी लिखते रहे कि पैसा वापस कीजिए, कंडीशनल कहे थे कि आप आके इतना दिन काम कीजिएगा। तो बाबा साहब ने बहुत कड़ा चिट्ठी लिखा था, कोई जोशी जी थे फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत कड़ा चिट्ठी, आप पढ़िएगा उसको, मजा आ जाएगा। और उन्हें पैसा नहीं दिया, बोला जब होगा तब देंगे, हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद गायकवाड़ फर्स्ट गोल में सम्मेलन में मिले हैं लंदन, और गायकवाड़ भाव विभोर होकर उनके आंख से आंसू टपक रहे थे, आंख से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने डिनर में बुलाया और डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने चंदा भी दिया, वहां फिर चंदा दिया। वो राजे में बिहार के भी एक दरभंगा महाराज, उन्होंने भी 75 पाउंड दिया था। तो राजो महाराजों से लड़ते भी थे, आप चंदा लेके आते थे आपके लिए, आपके बच्चों को स्कूल खोलने के लिए। आप बताइए कि आप में से, अब तो इतने सारे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में ब्याह होता है ना, शादी, तो उसमें कहते हैं कि पान नहीं तो पान का डंडी लाओ, उसी से काम चल जाएगा। पान का पत्ता नहीं मिला तो जो रीत बीत होता है तो पान के डंडे से ही चला जाता है। तो अब तो इतने बारे PCS IAS डॉक्टर इंजीनियर सब हो गए, राजनीति की हड़बड़ी किस बात की है? आपने कितने बच्चों को अमेरिका लंदन भेजे हैं ये बताइए, कितने को कहते हैं अरे बाबा साहब तो भेजे थे, वो पता नहीं कहां सोफे में धस गए। अरे भाई, रोज रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है रोज, तो लड़कियां पैदा होना बंद हो जाएंगी। अरे 100 को भेजे रहते, 90 कहीं सोफे में ही धस गया रहता, 10 ही ढंग का आ जाता, तो RPI अभी नेशनल पार्टी बनी रहती। नोट कीजिएगा ये बात, RPI नेशनल, हाथी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह बाबा साहब का दिया हुआ है, ये गलत फहमी मत पार लीजिएगा कि किसी और का है, वो बाबा साहब का दिया हुआ हाथी का चुनाव चिन्ह है। भाषण में एक जगह बोले कि हाथी का चुनाव चिन्ह मैंने इसलिए दिया है कि हमारे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि हाथी बड़ा दिख रहा है, इसलिए चुनाव चिन्ह उन्होंने लिया था हाथी। सवाल इसीलिए कर रहा हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बाबा साहब इकोनॉमिस्ट थे, बैरिस्टर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, सब कुछ थे, पत्रकार थे, सब कुछ थे, किसी भी इस तरह की संस्था को चलाने के लिए एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। एक्सपर्ट लोग नहीं रहेंगे तो कितने दल उत्तर प्रदेश और बिहार में बने, और आपके पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह बने, और टूट के कहां छिन भिन हो गए पता भी नहीं लगा। क्योंकि व्यक्ति परक जो पार्टी होता है ना, उसका अंत निश्चित होता है, व्यक्ति के साथ ही अंत होता है। इसीलिए अभी कागज में दिखाता हूं, शायद मेरा टाइम हो गया है, उसके बाद ज्यादा नहीं बोलूंगा, कि बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी जैसे उन्होंने बनाया था ना, उसके साथ ये भी बनाया था, राजनीति में प्रवेश के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, कि राजनीति में जाने से पहले
उसका कॉलेज में ट्रेनिंग होगा भाषण देने की कला, इतिहास, साहित्य, राजनीति तमाम, और उनका भाषण होना था। और मैं बता देता हूँ अंतिम पेज पहले बताता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बात करूँगा। पार्लियामेंट में बहस हुआ था, केटी शाह एक थे, उन्होंने कहा था कि सांसद जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई शिक्षा की जरूरत होनी चाहिए, शिक्षा की। डॉक्टर अंबेडकर का ये भाषण है, ये टिप्पणी है, आप देख लीजिएगा, मैं वॉल्यूम भी बता देता हूँ, ये शायद 35 नंबर वॉल्यूम में है। उन्होंने पूरा खंडन किया था, और खंडन किया था और कहा था कि राजनीति में जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल डिग्री की, यूनिवर्सिटी की और टेंथ की और फोर्थ की, राजनीति में जाने के लिए ज्ञान और शील की जरूरत है, चरित्र और आचरण की जरूरत है। कई एग्जाम्पल्स कोट किए हुए कि बहुत सारे पार्लियामेंट में बैठे होंगे, डिग्री बड़ी बड़ी होंगे, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं। तो उन्होंने खंडन किया था इस बात का, और इसलिए कि भले कोई पढ़ा हो या ना हो, लेकिन राजनीति में जाने से पहले उसका चरित्र, ज्ञान, शील, आचरण, व्यवहार ये उच्च कोटि का होना चाहिए। इसलिए उन्होंने, अब जो टिप्पणी लिखी वो टिप्पणी बता देता हूं, भारत में प्रजातंत्रीय शक्ति को बल देने एवं प्रस्तावित रिपब्लिकन पार्टी में युवा वर्ग को लाने के लिए, रिपब्लिकन पार्टी बनने से पहले की बात है, 1952 की बात कर रहे हैं, जो प्रपोज था कि रिपब्लिकन पार्टी बनाएंगे, युवाओं को लाने के लिए अंबेडकर ने वर्ष 1956 में राजनीति में प्रवेश के लिए एक विद्यालय खोला। सर आपको पता होगा, आप उस समय यंग रहे होंगे, एवले साहब को पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर निदेशक थे, खुद डायरेक्टर थे, और श्री एस रेगी रजिस्ट्रार थे। यह विद्यालय उनके लिए था जिन्होंने विधानमंडल में जाने की आकांक्षा, जिनकी इच्छा थी कि हम जाएं विधानमंडल में, उनके लिए खोला गया था। यह देश में अपने किस्म का एक पहला विश्वविद्यालय था। सोचिए, आज करोड़ों अरबों सब जो है चंदा में बांट देता, एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज नहीं खोला है। डॉक्टर अंबेडकर पहले आदमी थे जिन्होंने पॉलिटिक्स में जाने के लिए कॉलेज प्रस्तावित किया था। और जो कॉलेज जो बना के चले गए वो भी ठीक से नहीं चल रहा आजकल, मुझे पता है। उन्होंने आग्रह किया कि जो नए लोग जाएंगे राजनीति में उनको भाषण कला अवश्य आनी चाहिए, बोलने की कला, भाषण की कला अवश्य आनी चाहिए, ताकि डिफरेंट डिसिप्लिन सब्जेक्ट जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति, सामाजिक एवं संसदीय पद्धति पर अपने विचार व्यक्त कर सके। आप जो कह रहे हैं 131 या 20, 151, उसको लफबाजी करना खाली इलेक्शन में आता है ना, ये जो बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, इसके लिए मैंने सारे जो सवाल पहले उठाए, ये सब कुछ बाबा साहब ने खोले यहाँ पे, और जो खोल दिए उसको भी ठीक से नहीं चला पाए। सही इन्होंने फरमाया कि जो रिपब्लिकन पार्टी, जो बाबा साहब की जो पार्टी थी पहले, वही पहली नेशनल पार्टी बनी थी 1952 के चुनाव, ठीक है राम, वही पार्टी नेशनल पार्टी बनी थी, उसके बाद कभी नहीं बनी, वही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1952 के चुनाव में, हाँ 1952 के चुनाव में बनी पहली और आखिरी बार। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर तो पढ़ के आया था ना, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ, तो उनके लिए व्यापक आंदोलन, इसे संस्थाओं का निर्माण करना बहुत जरूरी है अगर राजनीति को आगे बढ़ाना है। कोई हमारे नेता इंस्टीट्यूशन में, मैं कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े लोग इसी मिलिंद कॉलेज के पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन आज हालत खराब है वहाँ पर, मैं जानता हूँ वहाँ भी खराब है, और कुछ ढंग का वहाँ भी नहीं हो रहा है, न सिलेबस रिवाइज सिस्टम। अच्छा, सरकारें तो आती है तो जानबूझ के ऐसी संस्थाओं को दबाने की कोशिश करती है, उसको मारने की कोशिश करती है। बड़े बड़े UGC चेयरमैन, क्या क्या MP मिनिस्टर सब वहां से निकला, अभी भी मिनिस्टर है, अभी भी है, लेकिन यूनिवर्सिटी की हालत खराब है। जब आपके विश्वविद्यालय RSS का नेता या BJP का नेता इलेक्शन में नहीं पैदा होता है मान्यवर, वो पैदा होता है सरस्वती शिशु मंदिर में। तो
बाबा साहब ने जितने स्कूल कॉलेज खोले, संस्थाएं बनाई, वो सबको मेंटेन कीजिए, पैसा इकट्ठा कीजिए। आप लोग इसलिए सवाल पूछा कि अभी एक सवा साल हुआ अम्बेडकर नामा को चलते हुए, और यकीन मानिए एक बच्चा पिछड़े समुदाय का, ओबीसी समुदाय का, भाई महाराजा गायकवाड़ का कर्जा भी तो था, पिछड़े समुदाय का बच्चा अम्बेडकर नामा में उसको वीडियो देख लीजिएगा, काम किया एलएलएम के लिए, तैयारी किया, उसको लंदन भेजा गया एलएलएम करने, लंदन यूनिवर्सिटी में, राजा चौधरी नाम है, देख लीजिए उसके फेसबुक प्रोफाइल में भी देख सकते हैं। और अम्बेडकर नामा ने उसको रिकमेंडेशन लिखने के साथ साथ उसके पैसे नहीं थे, 24 लाख रुपए 10 दिन में क्राउड फंडिंग से इकट्ठा किया हमने। स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट 90 भाग गया रहता, मान लिया कि फ्रॉड ही निकल गया रहता, 10 बच्चे आते तो सरकार का जो बजट आता है साल में, तो उस बजट पे एक्सपर्ट कमेंट देने के लिए तो होता हमारा 10 आदमी। सब बात ये भानु प्रताप जी या रतन लाल ये लोग क्यों बोलेंगे? समझ रहे? 100 बच्चे सब निकालिए पैसे, हम तो अभी भी इस मंच से खुली ऑफर दे रहे हैं, खुला, कि जो भी बच्चा पढ़ना लिखना चाहता, थोड़ा एम्बिशियस ड्रीमर आदमी चाहिए, बड़ा आदमी उसको बनने का होना चाहिए, बड़ा उसको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब हो, यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल बनने का ख्वाब हो, पढ़ो, तैयारी करो, आओ हमारे साथ काम करो, जब तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा हार्वर्ड में तो पैसा हम लोग इकट्ठा करेंगे, आओ काम करो। तो ये नागराजा साहब, ये जो बार बार मैं पढ़ रहा हूं, अगर अम्बेडकर साहब की जर्नी को पूरा आप नहीं समझेंगे, यात्रा, अब इसमें तो सारे पेज नंबर बता सकता हूं, वॉल्यूम नंबर हिंदी वाले 36 में जाइए, पूरा लक्ष्य रखा हुआ है, सब में एजुकेशन पे बल है, चाहे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, सब में एक एक बात मैंने कॉमन देखा। पहले इंडिपेंडेंट पार्टी लेबर पार्टी इसलिए बनाए थे, वहां मजदूर, निम्न मध्यम वर्ग और किसान उनके फोकस में था, लेकिन उनका अनुभव बोला कि लोग जाति के बाहर सोचने के लिए अभी जो है ना तैयार नहीं है, मजदूर के नाम पे भी अपर कास्ट नहीं आए, किसान के नाम पर भी अपर कास्ट नहीं आए, मिडिल क्लास के नाम पर भी नहीं आए। तो उन्होंने सीधे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, यही नागपुर में मीटिंग हुई थी, जहां तक मुझे ध्यान है 1942 नागपुर में ही मीटिंग हुई थी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। और जब रिपब्लिकन पार्टी, उस समय भारत आजाद हो चुका था, तो आजाद होने के साथ ही जो रिपब्लिकन पार्टी का जो पूरा लक्ष्य है उसको हम सबको पढ़ना पड़ेगा, एक बार फिर पुनः अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें उन्होंने प्रियम्बल से लिया था अपना पूरा दर्शन, प्रियम्बल से लिया था, समता, बंधुता, न्याय, और उसमें भी एजुकेशन पे फोकस था। यह पार्टी नेशनल बन सकती है, कोई इसमें शंका नहीं है, लेकिन इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए हमें हजारों की संख्या में अब जो है ना भीमराव अंबेडकर चाहिए। अकेले अगर हम आप सोचेंगे ना कि हम लोग कुछ बना देंगे और ये होगा, एक आध बार हम लोग नेता वेता बन जाएंगे भीड़ इकट्ठा करके, एक आध बार मंत्री वंत्री बन जाएंगे, लेकिन सस्टेन पेड़ में जब तक आप पौधे में पानी नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तब तक वो पेड़ और आगे नहीं बढ़ता, खेती नहीं होती है। तो इसीलिए बच्चा लोग इधर बैठा हुआ है, इस समय पानी खाद डालिए, इसको बुलाइए ड्रीमर के, तुमको प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुमको हार्वर्ड जाना है, तुमको कैम्ब्रिज जाना है, ऑक्सफोर्ड जाना है, वहां से पढ़ के आएगा तब भीमराव अंबेडकर बनेगा या बनेगी, ऐसी जनरेशन मुझे तैयार करना है, आगे बढ़ाना है। आपको शुभकामना देता हूं कि आप लगे रहिए, और हम तो खाली बाबा साहब का जो विचार था वो साझा करने आए थे पार्टी संगठन के बारे में, और टाइम जितना मैंने कहा था उससे 10 मिनट ज्यादा हो गया, तो इसीलिए अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें जितने आप सब रेफरेंस पता है। एक बार शिविर लगे और पार्टी के तीनों पार्टी के कार्यक्रम, जितने इंस्टीट्यूशन बनाए थे, एक किताब मैं लाने जा रहा हूं अभी धर्मांतरण पे, बाबा साहब के धर्मांतरण 56 में सिर्फ यहां नहीं हुआ था, उसी धरती से बोल रहा हूं, उसके पहले लंबी तैयारी बाबा साहब ने की थी। वो समझ लीजिए कि जब बहिष्कृत भारत मूक नायक 1920 में जब निकाले थे, उसी समय से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था कि हिंदू धर्म 4 मंजिला इमारत है, जिस फ्लोर पे जो पैदा हुआ उसी में मर जाना है उसको।
तो प्रक्रिया वहीं से शुरू हो गई थी 1920 से प्रोसेस। तो पूरी एक किताब ला रहा हूं और एक किताब बनाऊंगा संस्थाओं के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर, खाली पार्टी नहीं, संस्था मतलब बहुत सारी संस्थाएं। जब संस्थाएं बहुत सारी बनेंगी, संस्थाएं मजबूत होंगी, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी मजबूत होगा, पॉलिटिकल पार्टी। तभी बार बार अंबेडकर कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चलेगा। सोशल डेमोक्रेसी बनेगा इंस्टीट्यूशन से, इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। अगर नहीं होंगे तो कितना भी हम लोग कुछ कर लें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं आज़ादी के बाद पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। तो इसीलिए चलते चलते यही कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा बाबा साहब ने आप लोग को दिया है तो कुछ वापस करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। मैं कह रहा हूं कि कहीं और नहीं तो महाराष्ट्र से ही कुछ इस तरह का स्कीम निकालिए कि बाबा साहब तो गायकवाड़ होंगे नहीं, ना साहू जी महाराज होंगे, तो आपको खुद ही गायकवाड़ साहू जी महाराज बनना पड़ेगा। कभी और आएंगे तो पूरे लक्ष्य कार्यक्रम पे विस्तार से बात करेंगे। अभी 40 मिनट में बोल चुका, 25 मिनट ही मैंने कहा था। शुक्रिया, जय भीम, फिर मुलाकात होती है आपसे।